गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनय सिंह। आज मैं अपनी इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों को गणित विषय के अंतर्गत पाठ 12 स्मार्ट चार्ट के बारे में पढ़ा रहा था। उसी क्रम में आज मैं बढ़ते हुए पौधे का चार्ट के संबंध में बताने जा रहा हूं। तो देखिए, अमित ने मूंग की दाल के कुछ बीज जमीन में डाले। अमित ने मूंग की दाल के कुछ बीज जमीन में डाले। पहले 4 दिनों में पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद वह तेजी से बढ़ने लगा। हर 4 दिन बाद अमित ने पौधे की लंबाई नाभि और अंगूर दृष्टि पर बने चार्ट में बिंदु लगाया। तो देखिए, जो तालिका थी उसमें एक तरफ दिन और एक तरफ पौधे की लंबाई। मैंने लगभग
में बढ़ के 5.3 हो गई। माने हम इस तरह से जब रात प्राप्त होता है ये ग्राफ हमने इस तरह से दिखाई दिया। अब यहां पर कुछ प्रश्न है। का नंबर किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी? देख सकते हैं यहां पे इस सबसे ज्यादा लंबाई हमारी अगर हम देखें लंबाई सबसे ज्यादा बनी है। दूसरा कह रहा है 14 दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी?
तो लगभग पौधे की लंबाई 14 दिन, इसमें हम 0.35 जोड़ते हैं तो 9.9 सेंटीमीटर होगी 14 दिन। गांधी क्या यह पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा? बढ़ता रहेगा पौधे की लंबाई 100 दिन तक नहीं चलेगा। मूंग की फसल अधिकतम 90 दिन की होती है, इसके बाद एक सीमा तक वह पौधा बढ़ता है और उसके बाद वह पक जाता है, उसे काट लिया जाता है और पौधा नष्ट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 100 दिन तक पौधे की लंबाई एक भी नहीं रह जाएगी, पौधा ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं और इसी के साथ हमारा यह पाठ 12 मार्च का खत्म होता है। इससे संबंधित प्रश्न थे जो आप कर सकते हैं। जैसे जामुन ने किस प्रोजेक्ट पर काम किया, तो जामुन ने जानवर और पक्षी के प्रोजेक्ट पर काम किया। दूसरा प्रश्न था कि सुमिता आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर क्या किया, तो सुमिता आधा घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर के सड़क पर गुजरते हुए वाहनों की संख्या को नोट किया। रागिनी को टेलीविजन पर क्या देखना पसंद है, तो रागिनी को टेलीविजन पर कार्टून देखना पसंद है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वप्रथम का खरगोश लाए गए,
तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वप्रथम 1780 में खरगोश लाए गए। अगला प्रश्न है कि माधव की माँ का क्या नाम था? माधव की माँ का नाम शोभना था। इस तरह से इससे आप प्रश्न बन के आते हैं, आप उनको पढ़ करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज घर में इस पाठ का अध्ययन करिएगा, निश्चित ही आप लोगों के समझ में आएगा। इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त होता है। फिर अगला पाठ हम अगले चरण में पढ़ाएंगे आपको। और एक सूचना है कि अपने आसपास जो 6-7 के बच्चे हैं उनको आप बता सकते हैं कि कल से विद्यालय खुल रहा है। धन्यवाद आप सभी को।